हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें जो गूगल एडसेंस का पिन बाय पोस्ट आता है उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, और आज हम उसी का दूसरा स्टेप देखेंगे कि अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल कैसे फिल करेंगे, यानी कि गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, लिंक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपने ये नहीं देखा कि हम अपने गूगल एडसेंस के पिन को वेरीफाई कैसे करेंगे तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और गूगल एडसेंस लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करेंगे और अपने बैंक को ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और टेक स्टूडियो का एडसेंस अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है। क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शन पे, देन यहाँ पर देखिए हाउ यू गेट पेड, और यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ऐड पेमेंट मेथड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर पूछ रहा है ऐड अ पेमेंट मेथड और ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल्स, यानी कि ऐड न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। और इसका थोड़ा सा ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि टू रिसीव पे आउट्स बाय बैंक ट्रांसफर कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट्स एंड फी, यानी कि आप जिस बैंक को यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं उस बैंक से पहले आप जानकारी ले लें कि एक्सचेंज रेट और उनका फी क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बैंक तो ऐड कर लिया लेकिन बाद में वो हाई फी ले रहे हैं या फिर एक्सचेंज रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपको जो है आपके अमाउंट में कटौती हो जाएगा ज़्यादा, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस होगा, ठीक है। तो ये आप पहले एक बार क्लियर कर ले अपने बैंक से। देन यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक अकाउंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया एंड इन US डॉलर करेंसी, जो बैंक है वो इंडिया और US डॉलर करेंसी में लोकेटेड होना चाहिए, ये भी आप एक बार कन्फर्म कर लें। अब देखिए यहाँ पर हम बारी बारी से फिल करेंगे। सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर नेम ऑन बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट पर नेम है वो फिल करेंगे, बैंक नेम फिल करेंगे, IFSC कोड फिल करेंगे, स्विफ्ट और BIC कोड फिल करेंगे, ये कैसे हम फाइंड करेंगे ये हम आपको बता देंगे। देन अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, रीटाइप अकाउंट नंबर फिल करेंगे, यानी कि दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करेंगे। देन यहाँ पर हम इसे टिक रहने देंगे सेट एज अ प्राइमरी पेमेंट मेथड, इंटरमीडिएटरी बैंक को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन सारे डिटेल को फिल करते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा डिटेल सही सही फिल कर लिया है। एक बार आप सारे डिटेल को क्रॉस चेक कर लें, खास करके अकाउंट नंबर, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड, आप इन सारी चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, आपके पेमेंट में बाद में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। स्विफ्ट कोड कैसे सर्च करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये है transferwise.com, और आप यहाँ पर आकर के सर्च बाय बैंक, ब्राउज बाय कंट्री या फिर चेक अ कोड, आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके अपने बैंक का स्विफ्ट कोड जान सकते हैं, जैसा कि मैंने फेडरल बैंक के लिए यहाँ से स्विफ्ट कोड फाइंड किया था, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट से आसानी से अपने बैंक का स्विफ्ट कोड जान सकते हैं। देन हम आते हैं गूगल एडसेंस में और देन हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा बैंक अकाउंट लास्ट में जो 4571 है, हमारे ही नाम का अकाउंट है अजहर साबरी, ये ऐड हो चुका है और ये हमारा प्राइमरी अकाउंट है, यानी कि हमारा जो पेमेंट आने वाला होगा वो इसी अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है स्टेप्स अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने का। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा कितना सिंपल स्टेप है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नया बैंक अकाउंट ऐड करना। आप भी चाहें तो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जब भी अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाए तो आप इस तरह से अपने बैंक अकाउंट का सारा डिटेल फिल कर सकते हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड वगैरह सर्च करना, ये सारा कुछ आपने देखा कितना आसान यानी कि कितना सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और टेक स्टूडियो के साथ बने रहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।